विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन साधारण सभा एवं वार्षिक स्नेह सम्मेलन सीता मंगल भवन खरगोन में आयोजित किया गया। यहां बतौर अतिथि जिले सहित इंदौर संभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। जिलाध्यक्ष एम आर पाटीदार ने बताया कि सम्मेलन में पेंशनरों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श कर शासन से लंबित मांगे मनवाने की रणनीति भी बनाई गई। इस दौरान वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान भी किया गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये पूरे जिले के कार्यकारिणी हैं। इसमें अभी हमारे 2 वर्षों से कोविड के कारण वार्षिक स्नेह सम्मेलन हुआ नहीं था, वो आज हमने 18 तारीख को आयोजित यहाँ खरगोन पहले भी किया है। इसमें इंदौर रीजन के सभी पदाधिकारी, बड़वानी के पदाधिकारी, खंडवा के पदाधिकारी, साथ ही खरगोन जिले के सभी हमारे कार्यकारिणी सदस्य मेंबर लोग वो सभी यहाँ पधारे हैं। इसमें मुख्य सम्मान करते हैं वो कार्यक्रम भी यहाँ पे है और हमारे जो विशेष अतिथि आते हैं खंडवा, बड़वानी, इंदौर, उनका हम जो है साल श्रीफल और मेमेंटो देकर सम्मान करते हैं और एक गैदरिंग स्नेह सम्मेलन करते हैं कि भाई 60 ऊपर वाले सब हैं, कोई 70 का है, 75 का, 80 का है, एक दूसरे से मिले, अपनी भावनाओं को रखें और साथ ही अपनी समस्याओं को रखें और उसका हम एकजुट होकर उसका निराकरण करें और संघ में एकता बनाए रखें। इस उद्देश्य से हमने कार्यक्रम रखा है तो काफ़ी लोग उसमें आए हैं और सभी अपने अपना दायित्व निभा रहे हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।